दूसरी बात, जो 14 तारीख को संक्रांति में बसंत में जो होता है वो जानवरों को लड़ाया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकुल्लाह मिन हादिहिल बहाइमिल मौजमती, जानवरों के बारे में जो जानवर है इन जानवरों के बारे में तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें जो रिज़िक मिलता है तो इन जानवरों की वजह से रिज़िक मिलता है, बूढ़ों की वजह से, बच्चों की वजह से, नेक लोगों की वजह से रिज़िक मिलता है। अगर तुम्हारे दरमियान जानवर नहीं है, नेक लोग नहीं है, बूढ़े बच्चे नहीं है तो तुम्हें रिज़िक नहीं मिलेगा, ये ज़मीन गल्ला उगाना बंद कर देगी। तो जानवरों को लड़ा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद से मना फरमाया कि जानवरों को आपस में लड़ाना हराम है और उसका तमाशा देखना भी हराम है। कबूतरों को उड़ा रहे हैं, कबूतर उड़ाना भी जायज़ नहीं है, उसको वो तो बेजान जानवर है, बेचारा मासूम जानवर, उसको उड़ा रहे हैं, उसको नीचे नहीं उतरने दे रहे। भाई एक परिंदे की ना, हर परिंदे की उड़ने की एक मकदार होती है, भाई 15-20 मिनट उड़ता है फिर बैठता है, 15-20 मिनट उड़ता है फिर, इसको सुबह से शाम तक नीचे नहीं उतरने दे रहे। इसका भूखा प्यासा रहना और इसकी जो जितनी बद्दुआएं हैं वो सारी बद्दुआएं तुम्हारे ऊपर लगेंगी। तो हुजूर ने फरमाया कि इन जानवरों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से डरा जाए और जानवरों को लड़ाना भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुफ्फारे मक्का थे वो क्या करते थे, एक तरफ कुत्ते को, लोमड़ी को बंद करते थे, एक तरफ इंसान को बंद करते थे और पिंजरे के अंदर बंद करके दोनों लड़ते रहो, जब तक मर नहीं जाते लड़ाना उनको छोड़ देते थे। इसी तरह मेंढे को और बंदर को बंद करते थे या बंदर को बकरी को बंद करते थे, तो बहुत सारे जानवरों को आपस में बंद उनको लड़ाते थे। तो हुजूर ने उस वक्त ये फरमाया कि जानवरों को आपस में लड़ाना, आपस में जानवरों को लड़ाना हराम है। एक तरफ जानवर, एक तरफ जानवर, ये भी हराम, एक तरफ जानवर, एक तरफ इंसान, ये भी हराम, दोनों भी हराम है। और ये संक्रांति के दिनों में बहुत ज़्यादा उड़ाए जाते हैं। और मालूम तो ये हुआ कि एक एक मुर्गा 50-50 हज़ार रुपये का भी आता है, मुर्गा मुर्गा 50,000। इससे अच्छा किसी गरीब की 50,000 रुपये के लिए शादी कराए तो तेरे को जन्नत मिल जाती, ये मुर्गा 50,000 रुपये का क्या फ़ायदा है। और ये सारे काम करने वाले मुसलमान हैं, मुसलमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि एक औरत ने अपनी बिल्ली को भूखा मार दिया, भूखा बिल्ली को भूखा मार दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ बिल्ली को, बिल्ली पालती थी वो औरत, लेकिन बिल्ली को खाने नहीं दिया, ना उसको आज़ाद किया, भाई वो खुद जाके खा लेती, ना उसको आज़ाद किया, पिंजरे में बंद कर दिया। तो इसी तरह जब उसने बंद कर दिया और बिल्ली मर गई बिना खाए पिए, तो इसी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया। एक फाहिश औरत रास्ते से जा रही थी तो देखा प्यासा कुत्ता जिसकी ज़बान बाहर लटक रही है और प्यास में बड़ी परेशान है, क्या करूँ, तो फाहिश औरत है फाहिशा, अब आई तो उसने देखा कि कुत्ता प्यासा है तो लिहाजा मुझे कुत्ते की मदद करनी चाहिए। तो वो कुएं में उतरी और कुएं में उतरने के बाद उसने मोज़ा निकाला और मोज़े में पानी भरा, कुत्ते को पिलाया। तो मरने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि बुखारी शरीफ की बात है, हुजूर ने फरमाया कुत्ते को पानी पिलाने पर अल्लाह तबारक व तआला इसकी मगफिरत फरमा दी। और जो लोग जानवरों को आपस में लड़ा रहे हैं उनका क्या हाल होगा, जानवरों को लड़ाना आपस में भी हराम है और उनका तमाशा देखना भी हराम है। हदीसें बहुत सारी है, वक्त इतना होता नहीं है, तो लिहाजा पतंग उड़ाना 14 तारीख को तो बिल्कुल अपने बच्चों को मना करें, पतंग लूटना नहीं, मांझे के पीछे जाना नहीं, ऐसा मांझा खरीदना भी नहीं कि लोगों की गर्दनें कट रही हैं, वरना हमारा बच्चा सिर्फ 10 साल का 12 साल का है लेकिन न जाने कितने लोगों का ये कातिल बन चुका है, कितने लोगों किसने गर्दनें काट दी हैं, खुद भी बचना है। ये गैर मुस्लिमों का त्यौहार है, हमारा त्यौहार नहीं है। इस्लाम के बारे में जो आदमी अच्छी तरीके से पढ़ता है उसे ये बात मालूम होती है। एक आदमी को जब बताएं नए नए आदमी ने क्या बताया, अरे पहली बार सुना ना हम ये बात नहीं है ना, 50 साल का हो गया मैं कभी ये बात सुना नहीं, आज पे कैसे भाई तूने कितनी किताबें पढ़ी हैं, ऐसा आदमी से मेरा सवाल ये, तो कितनी किताबें पढ़ी हैं उन किताबों का नाम बता, और जितनी किताब हमने पढ़ी है हम आपको दिखाएंगे हमने कितनी किताबें पढ़ी हैं। तो आपने जब आपको इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है, इस्लाम के बारे में आपने कोई स्टडी नहीं की, तो आप ये नहीं कह सकते भाई ये गलत है। तो संक्रांति के खास करके इस दिन के अंदर पतंग उड़ाना नहीं है, ये गैर मुस्लिमों की, अगर करेंगे पतंग उड़ाएंगे तो ये हकीकत राय की समाधि पर फूल चढ़ाने के बराबर है, उसकी शहादत की खुशी में वो शहीद, हालांकि उसको कत्ल किया गया जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके शहादत के दिन पर खुशियों के लिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए पतंग उड़ाई जाती है। अभी वो अलग बात है, किसी को नहीं मालूम, पढ़ेंगे तो मालूम होगा। तो अगर हम लोग ही पतंग उड़ाएंगे तो मालूम ही होगा कि कल क़यामत के दिन हमारा हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मालीना इल्ला बिल्लाह।